in this module we will discuss the classification of lipids as we have already mentioned previously that lipids are characterized by their hydrophobicity ye, pani ke hydrophobic hain, water soluble the, their precursors and derivatives of such compounds are also included in the classification of lipids in the previous module that lipids jo hai, unke precursors or derivatives fats sterols waxes देयर प्रिकर्स एंड डेरेवेटिव दीज आर और लिपिड्स तो इसीलिए इसकी हम क्लासीफिकेशन जब हम करेंगे तो इसके प्रिकर्स और डेरेवेटिव को भी जो है हम उसकी क्लासीफिकेशन में इंक्लूड करेंगे लिपिड्स आर क्लासीफाइड इन फॉलोइंग थ्री मेजर ग्रुप्स नंबर वन इज द सिंपल लिपिड्स सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड दर्ड इज देअर प्रिकर्सर्स एंड डेरेविटिव उनको हमने दोनों को कठि थर्ड क्लास में डाल दिया कि उसके प्रिकर्सर जो से जिससे डिराइव हो रहे हैं और जिससे जो उससे पहले जो है प्रिकर्सर जिससे बन रहे हैं लिपिड्स या जो उसके बाद आगे डिराइव हो रहे हैं दीज आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन दी लिपिड्स दिस इज द डायग्रामेटिक प्रजेंटेशन ऑफ द लिपिड्स हम इसको वन बाई वन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हमने बोला कि नंबर वन इज द सिंपल लिपिड्स सेकेंड वन इज दी कंपाउंड लिपिड्स एंड देयर डेरेवेटिव एंड देयर पिकर्स सिंपल लिपिड्स आर फर्दर सब डिड दीज आर दस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड दीज आर फर्दर सब डिवाइड इन टू फैट्स एंड वैक्सीस पीछे भी हमने मॉड्यूल में यही देखा था कि फैट्स और वैक्सीज आर ऑल्सो लिपिड्स अब फैट्स में क्या होगा दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद गोलेस्टरोल गलेस्टरोल क्या है गोलेस्ट्रोल इज़ एन अल्कोहल इसी तरह वैक्सीज में क्या है दीज आर ऑल्सो ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हम फैटी एसिड्स को भी डिटेल में उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसी तरह हम जो अल्कोहल यहाँ यूज़ हो रही हैं इसके साथ कम्बिनेशन में उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते जाएंगे तो अगर लॉन्ग चैन फैटी एसिड जो है ना वो लॉन्ग चैन अल्कोहल के साथ मिल जाएंगी तो वो वैक्सीज बन जाएंगी जिस तरह बी वैक्स है वी विल डिस्कस इन डिटेल कंपाउंड लेबर्स में दीज आर ऑल्सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल कंटेनिंग अदर ग्रुप्स ऑल्सो के ये भी कंपाउंड लेबर्स भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड हैं विद अल्कोहल लेकिन इसके साथ और ग्रुप्स भी जिसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया डिफरेंट अदर ग्रुप्स भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं इसी तरह डिराइव लिपिड्स जो हैं दीज आर कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स के इसके अंदर हाइड्रोकार्बन रिंग्स होंगे जबकि पीछे हमने देखा हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन्स होंगे सिंपल लिपिड्स में या कंपाउंड लिपिड्स में जो ये रिंग फॉर्म नहीं होगा यहाँ हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं एंड दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स आर अटैच विद दीज रिंग्स सिंपल लिपिड्स फर्स्ट क्लास क्लास इज दी सिंपल लिपिड्स दीज आर We have discussed that these are esters of fatty acids with various alcohols. These contain fats and oils and waxes. This class two subclasses ki. one is the fats and oils, and the other is the waxes. Fats subclass is esters of fatty acids with glycerol. Oils. आर फैट्स इन लिक्विड स्टेट्स अगर इसी फैट को हम लिक्विफाई कर दें तो लिक्विड स्टेट्स में इसको ऑयल कहते हैं जबकि ये सॉलिडिफाइड स्टेट में जो है ना वो फैट कहलाती है जबकि ह्यूमन बॉडी में ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेट में होती है तो दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद गले ग्लेसर। ग्लेस्टरोल क्या है ग्लेस्टरोल इज अल्कोहल वैक्सीज दीज आर अगेन ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के ये भी अल्कोहल्स के साथ हैं उसमें ग्लिस्टरोल टिपिकली पर्टिकुलरली गलेस्ट्रोल जो है ना वो ईस्टर बनाती है उसके साथ फैटी एसिड्स के साथ तो उसको हम फैट्स बोल देते हैं अगर ये ईस्टर फैटी एसिड्स का हायर मोलिकुलर वेट के जो है ना अल्कोहल के साथ बन जाए जिसमें मोनोहाइड्रिक्स सिंगल हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम वैक्स बोल देते हैं सेकेंड वन इज़ दी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दीज आर अगेन द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेन कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल इसके अंदर अगर अल्कोहल एक अटैच हुई हुई है जो ईस्ट फैटी एसिड्स हैं उसके साथ अल्कोहल अटैच हो रही है वो ग्लिसरॉल भी हो सकती है स्फेंगोसिन भी हो सकती है इसी तरह डिफरेंट अल्कोहल्स हो सकती हैं और इसके साथ कोई और ग्रुप भी अगर अटैच हो गया तो इसको जो हम इसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोल देते हैं दो अदर ग्रुप्स कौन से अटैच हो सकते हैं इसके साथ फॉस्फोलिपिड्स अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो दीज आर दिस आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स अगर इसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स अगर ग्लाइकोजिन अटैच हो गई शुगर मोबिटी अटैच होगी तो दीज आर कार्ल्ड ग्लाइकोलिपिड्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसके अंदर ग्लाइको जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स या जो है ना वो भी इसके साथ अटैच हो सकती हैं सो दीज आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के जिसके अंदर डिफरेंट और ग्रुप्स भी फैटी एसिड्स के साथ अल्कोहल के साथ और ग्रुप्स भी अटैच हो जाते हैं इसमें हमने सब क्लासेस में अगर हम डिफाइन करें फॉस्फोलिपिड्स नंबर वन और ए इज द फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड एन अल्कोहल फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इज अटैच और एक फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू इज अटैच कि अगर लिपिड्स को हमने डिफाइन किया था लिपिड्स क्या हैं दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल इस अल्कोहल के साथ अगर एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा तो ये जो है ना वो फॉस्फोलिपिड्स कहलाएंगे इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्शियंट्स इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी हो सकती हैं और अदर सब्सियंट्स भी हो सकते हैं सिमिलरली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इस इस केस में वहाँ हमने ओपनली डिफाइन किया है कि कोई भी अल्कोहल अटैच होगा अगर अल्कोहल ग्लिसरोल होगा तो दिस इज दी दिस इज कार्ड द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। अगर अल्कोहल स्पिंगोसिन होगा तो दीज़ आर नोन एज स्पिंगो फोस्कोलिपिड्स सेकेंड सब क्लास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इज दी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको स्पिंगोलिपिड्स लिपिड्स कंटेनिंग अ फैटी एसिड हमने डिफ़ाइन किया है कि फैटी एसिड के साथ अल्कोहल मिल गया तो ये लिपिड्स बन गए अब अगर लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स और पर्टिकुलरली स्पिंग स्पिंगोसिन मिल जाए तो वो हमने स्पेंगो लिपिड्स कहा या उसके साथ फॉस्फोरस भी मिल गया तो स्पिंगो फॉस्कोलिपड्स कहा और अग, अगर इसी तरह फैटी एसिड्स के साथ स्पिंगोसिन अल्कोहल मिल जाए और उसको के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं या ग्लाइको स्पिंगोलिपड्स भी कहते हैं द थर्ड क्लास इज अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स लिपिड्स सच एज सल्फोलिपिड्स अमाइनोलिपिड्स के इसके अंदर सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया वो तो हर लिपिड के अंदर है एक एक जो है ना हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं These आर esters ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अगर इस फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ सल्फेट ग्रुप sulf, sulf, मिल गया तो दीज आर सल्फोलिपिड्स इसी तरह इसके साथ कोई अमाइनो एसिड रेजिडियो मिल गया दीज आर अमाइनो एसिड्स And lipoproteins may also be placed in this category different proteins is ke saath, lipids, so these are again classified as a other complex lipids. Precursors and derived lipids humne define kyata the third class hai, wo, their precursors and their derived lipids. These include fatty acids, glycerols, fatty acids, kisat, ache, alcohol, वो अगर गोलेस्ट्रोल है तो उसके साथ दीज आर प्रिकर्सर एंड डेरेवेटि उसके साथ स्टीराइड मॉलिक्यूल मिल गया या स्टीराइड स्ट्रक्चर साथ लग जा लगा तो दिस इज द प्रिकर्सर और द डिराइव लिपिड्स फ्रॉम दिस इसी तरह अदर अल्कोहल्स मिल गई जिस तरह स्फिंगोसिन हमने कहा वो मिल गई मिथाइल इथाइल जाके मिल गई तो दीज आर अगेन लिपिड्स फैटी एल्डीहाइड्स अगर इसके साथ एल्डीहाइड ग्रुप मिल गया फैटी फैटी एसिड्स के साथ तो दिस इज अगेन दी इसी तरह कीटोन बॉडीज़ हमने उसमें डिफ़ाइन की थी कि जो है ना जो प्रिकर्सर्स थे उसके अमाइनो एसिड्स दो किस्म के हमने डिफ़ाइन किए की थे कीटोजेनिक इसी तरह कीटोन बॉडीज भी डिफाइन की थी तो कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो भी जो है ना डिराइव लिपिड्स हैं दीज आर हमने डिफाइन किया था एसिटोन एसिटोस्टिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरिक एसिड दीज आर कीटोन बॉडीज एंड दीज आर अगेन फ्रॉम दी डिराव फ्रॉम दी लिपिड्स ये हमने डिफाइन किया था कि अगर जो है ना बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी तो ये फैट जो है ना वो यूटिलाइज होगा तो फैट से जो डिराइव चीज़ें निकलेंगी वो कीटोन बॉडीज कहलाती हैं और वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होती हैं सिमिलरली लिपिड सॉलेबल विटामस आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द लिपिड्स और दीज आर द्रिकर्स ऑफ द लिपिड्स सो दीज आर मेन क्लासेस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स